लोकसभा चुनावों में विकास के एजेंडे से डिरेल करते हुए और सांप्रदायिक टकराव की तरफ ले जाने की इंडी गठबंधन की नीति अब उत्तरोत्तर सबके सामने आती जा रही है। पहले मैनिफेस्टो में सांप्रदायिक विषय डाला गया, फिर आरक्षण में सांप्रदायिक विषय लाया गया, और अभी आपने देखा कि उनकी प्रत्याशी ने उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद जैसी बात कही। यानी अब सांप्रदायिकता के साथ साथ हिंसात्मक दृष्टि भी लाने का प्रयास किया गया, और आज इनके गठबंधन सहयोगी दलों में से, या यूं कहें कि विपक्षी दलों के सबसे प्रोमिनेंट दल में से एक तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हिमायू ने इस सीमा तक जाके कहा है कि हम हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे। यानी इतने प्रतिशत हैं, हम इतने प्रतिशत हैं और हम ये कर देंगे, गंगा में बहा देंगे, काट के बहा देंगे। इस प्रकार की बात को सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की सीमा तक ले जाना दर्शाता है कि इंडी गठबंधन अब पराजय की हताशा में किसी भी सीमा तक जा रहा है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी और प्रियंका जी से, कि आपके लिखित मैनिफेस्टो में सांप्रदायिक विषय होना, फिर आपकी प्रत्याशी द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात करना, तृणमूल कांग्रेस के विधायक के द्वारा गंगा में बहा देने की बात करना, ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडा को किस नफरती मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं, यह बात हम स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, सोनिया जी, राहुल जी और उनके अध्यक्ष खड़गे जी। यानी अब एजेंडा बिल्कुल साफ हो गया है कि जो जो चुनाव आगे बढ़ रहा है मुख्य मुद्दों के ऊपर कोई जवाब इन दलों के पास नहीं है। इसलिए हिंदुओं के प्रति नफरत को इस सीमा तक ले जाना कि हिंसात्मक आह्वान करना, ये बहुत खतरनाक है। और मैं देश के प्रबुद्ध मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि याद रहिए कि ये हिंसा का आह्वान करने वाले लोग जो देश को कट्टरपंथी ताकतों के आगे किसी भी सीमा तक आग में झोंकना चाहते हैं, और चुनाव चल रहा है तो इस ये पंक्ति उनके लिए कहना चाहूँगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, व्याध कसाई को कहते हैं, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो मैं देश की जनता से आह्वान करता हूँ कि इस विषय में तटस्थ रहने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़कर वोट करिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और एक बार पुनः इंडी गठबंधन के नेतृत्व से मैं पूछना चाहता हूँ कि यह सांप्रदायिक वैमनस्य की हिंसा की इस पराकाष्ठा के ऊपर उनका क्या कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लेटर लिखा है मैनिफेस्टो को लेकर कि पीएम जो है सो गुमराह कर रहे हैं, झूठ। जो कुछ मैनिफेस्टो में लिखा है वो उनकी पिछली कारगुजारियों की पृष्ठभूमि में साफ है। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने प्रावधान की बात कही है, अल्पसंख्यकों के लिए खान पान के संरक्षण की बात कही है ना। ये बताइए, सिखों में झटके की बात होती है, झटके के संरक्षण के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ किया है? दूसरे अल्पसंख्यक हैं जैन, जो एक्सट्रीमली वेजिटेरियन है, उनके संरक्षण के लिए कुछ किया है? पारसी खान पान के लिए, पारसी और यहूदी खान पान के लिए? साहब सबको समझ में आता है, खड़गे जी को समझना चाहिए, देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। और अल्पसंख्यकों के लिए मनमोहन सिंह जी का वो बयान नहीं याद है, माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, ये तो वीडियो है ना जिसका वो बचाव कर रहे थे, इसमें भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भाई उन्होंने कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण में डाल ही दिया ना, तो बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, जैसे देश में घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में भी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं। न भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर घुसपैठियों को आने दिया, जितनी तगड़े दृढ़ता के साथ मोदी जी की सरकार खड़ी हुई थी उतनी ही दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आरक्षण में भी कांग्रेस के संरक्षण में किसी प्रकार की घुसपैठ नहीं होने दी। देखिए, जब आदमी को हार साफ नजर आने लगती है तो कोई ना कोई बहाने, या यूं कहें
कि शिकस्त की पेशबंदी की शुरुआत विपक्षी दलों की तरफ से होने लगी है। और मैं पुनः ये बात कह चुका हूं, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, ईवीएम पे आरोप कितने हसीन हैं। देखिए साहब, ईवीएम कैसा काम करती है विपक्ष के साथ, वो पंजाब में अच्छा काम करती है, हरियाणा में खराब हो जाती है, वो हिमाचल में अच्छा काम करती है, उत्तराखंड में खराब हो जाती है, फिर दिल्ली में अच्छा काम करती है, उत्तर प्रदेश में खराब हो जाती है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम किया था, 2023 में खराब हो गई थी, और क्या बताएं, 2023 में कर्नाटक में खराब काम किया था, 2018 में खराब काम किया था, 2023 में अच्छा काम कर दिया उसने, मतलब फिर बंगाल तेलंगाना और आंध्र में ईवीएम ने अच्छा काम किया, गुजरात महाराष्ट्र में गड़बड़ काम कर दिया, फिर तमिलनाडु में ईवीएम ने अच्छा काम किया और असम में खराब काम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनता को वो समझ रखा है, वो शब्द जो आप प्रयोग करना बंद हो गया है कांग्रेस के मुख्य नेता के लिए, आपके नेता वो होंगे अगर देश की जनता ही नहीं समझती है कि जिग जैग कर ड्रॉ कर रहे हैं कि अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर आक्षेप लगाना बंद करना चाहिए, ईमानदारी से राजनीति के यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एनविसेजिंग देयर इनएविटेबल डिफीट एंड द इंडी अलायंस नाउ गोइंग बर्सर्क, दे आर ग्रेजुअली लूजिंग देयर मेंटल कूल एंड बैलेंस, सो दे आर गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ invoking violence on the hardline communal agenda, and their communal agenda is getting gradually exposed. First they have tried to put the communal lining in their manifesto, then they tried to communalize the reservation issue, then just 2 days back their candidate in Farukhabad constituency of Uttar Pradesh has talked about vote jihad. This is a typical communal hardliner, even going to the extent of violent call. And now the Trinamool Congress MLA Humayun has gone to the extent of saying ki we are so much of percentage, if you are in that much of percentage, hum aapko Ganga mein baha denge. We will vanish you and drown you in the river Ganga. So this is now become a categorically violent call on the very derogate criminal basis. So we want a clear cut explanation from the top leadership of the Indian Alliance, Rahul ji, Sonia ji and Kharge ji, that what is your agenda? Your agenda have started from eradication of Sanatan Dharma and now come to the violent expression of these type of things. So your hatred against the Hindu Dharma and Sanskriti is becoming gradually exposed. I want a clear and categorical answer from the top leadership of the India Alliance, Rahul ji, Sonia ji and Kharge ji. Sir, ek prashn hai mera. Ek Karnataka mein mantri hai, R.V. Thema, Congress ke bade varishth neta hai aur unhone Bhagwan Krishna ka mazak udaya ye kehke Ravanna jo hai unka bhi record todna chahta tha. Ye lagta hai ki Krishna Bhagwan ko peeche chhodna chahta hai. Dekhiye, aisa hota hai ki jin logon ko dharm sanskriti ke bare mein pata nahi hota hai, एक हिंदी में कहावत होती करिया अक्षर भैंस बराबर, तो अगर उनको उतना ही ज्ञान है और कांग्रेसियों को उसी ज्ञान पे गुमान है, तो मुझे लगता है उनके ये अभियान का अंत एक पराजय के घमासान में होना तय है। देश की जनता बहुत स्पष्ट है, वो किसी से मजाक नहीं उड़ा चुके। अरे हमें बचपन के जमाने से याद है, हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाने वालों का समर्थन किया गया था, उनका बचाव किया गया था। हमें याद है अपने जमाने में अर्जुन सिंह एज एचआरडी मिनिस्टर जाकर उन प्रदर्शनियों का उद्घाटन किए थे जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन दिखाया गया था। तो फितरत वही है, हरकत वही है, शरारत वही है। इसलिए आप देखिएगा इस सियासत का माकूल जवाब जनता इस चुनाव में देगी। वोटिंग परसेंटेज के ऊपर देखिए, उनकी मजबूरी समझी जा सकती है, जहां जिहाद शब्द आ जाएगा वहां तो वो सजदे में हो ही जाएंगे। अखिलेश यादव जी की सामर्थ्य से बाहर है, यानी अखिलेश यादव जी की जो क्षमता है, जो हैसियत है ही नहीं कुछ जिहाद वर्ड आने के ऊपर कुछ कर दें। जिहाद के बाद तो एक ही लाइन होगी, सजदे में निगार है, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे, तो जो कह दिया गया उसके साथ है। मगर देश की जनता भली बात समझती है, ये वोट जिहाद शब्द क्या है, लव जिहाद से तो बड़ी आपत्ति है। जो शब्द केरल के मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन ने दिया था,
जो केरल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल की विधानसभा में बोला, जो 9 दिसंबर 2009 को केरल हाईकोर्ट ने शाहजहां वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस में बोला, उससे तो आपत्ति है, मगर वोट जिहाद से बहुत मोहब्बत है। इस मोहब्बत की दुकान की असली पहचान क्या है, ये जनता में साफ होगी।